हेलो दोस्तों, दरोबा के खातिर एक और हाईलाइट लेके आ गई बा। और आज 52वां मैच खेला जाए, 53वां मैच खेला जाए पंजाब किंग्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच में। तो पंजाब किंग्स जो टॉस जीतला था, पहले बल्लेबाजी करे के फैसला कर लस, और एकर पहला विकेट पड़ सिमरन सिंह के रूप में जल्दी गिर गई और 21 रन पे पहला विकेट दूसरे ओवर में खत्म हो गई और एक विकेट मिलल। पंजाब किंग्स के दूसरा विकेट भी जल्दी चल गए 3.4 ओवर में। भानुकर राजपक्षे आज कुछ न कर पैलक और ये दूसरा विकेट गिर लस और 29 रन पे 2 विकेट हो गए पंजाब किंग्स के। तीसरा विकेट भी जल्दी गिर गई 5.3 ओवर में लियाम लिविंगस्टन के रूप में। और लियाम लिविंगस्टन इस सीजन में कुछ खास न कर रहा था और 53 रन पे तीसरा विकेट गिर गई पंजाब किंग्स के। लियाम लिविंगस्टन 15 रन बना के आउट। शिखर धवन एक छोट पे जमल रहे और शिखर धवन चौका लगा लस और अपन स्कोर 21 रन कर दिलस। 6 ओवर में 58 बना लेलस लेकिन 3 विकेट गिर गई लोग। और दूसरा छोट पे शिखर धवन एक और चौका लगा लस। शिखर धवन लगातार अच्छा फॉर्म में खेलता है इस सीजन में और एक छोट पे डटल बा डटल रहा। और दूसरा छोट पे जितेश शर्मा अच्छा साथ देलस और ये भी लगातार एगो छक्का लगा लस सुहेश शर्मा के गेंद पे और टीम के स्कोर पहुंचा देलस 78 रन 3 विकेट। जितेश शर्मा फेनू सुहेश शर्मा के फिर से रिमांड पर लेलस और 10वां ओवर में एक और छक्का जोरदार छक्का लगा देलस। शिखर धवन अपन फॉर्म के लगातार जारी लग रखलस और एगो जबरदस्त रिवर्स शॉट खेल 4 रन के चलते। शिखर धवन ने सुनील नारायण के भी एक जबरदस्त रिवर्स शॉट खेल और गेंद चढ़ गई 4 रन के चलते। सुनील नारायण के ओवर में एक और चौका लगा लस और गेंद बाउंड्री के फील्डर के छकाते हुए 4 रन के चलते चढ़ गई। जितेश शर्मा चक्रवर्ती के गेंद पर चकमा का खा गई और विकेट कीपर के द्वारा लपक गई और चौथा विकेट गिर गए पंजाब किंग्स। नारायण के गेंद के छक्का के चलते भेज के शिखर धवन अपन 50 रन पूरा कर लेलस और ई टूर्नामेंट में एक तीसरा या चौथा 50 बनलस ई टूर्नामेंट में शिखर धवन। और शिखर धवन के 5वां विकेट गिर गए नीतीश राणा के गेंद पे और 119 पे 5 विकेट हो गए 14.4 ओवर। शिखर धवन के आउट होने के बाद ऋषि धवन आयल और ये आते ही चौका से अपन खाता खोलस 4 रन के चलते। फील्डर के छकाते हुए गेंद चल गई। ऋषि धवन से चक्रवर्ती के गेंद के छक्का के चलते भेज देलस और एक और छक्का जुटा लेलस टीम के स्कोर पहुंचा देलस 37 रन। चक्रवर्ती की गेंद पे ऋषि धवन तेज खेले के चक्कर में बोल्ड हो गए और एक तरह से छठा विकेट गिर गए पंजाब किंग्स के। सैम करन आज कुछ खास न कर पड़ल और 4 रन बना के कैच लपक खा के चल गई 140 रन पे 7 विकेट हो गए पंजाब की। आखिरी के कुछ गेंद पे हरप्रीत बरार और शाहरुख खान कुछ चौका बाउंड्री लपेट लस। हरप्रीत बरार चौका मार लस 147 रन हो गई। शाहरुख खान के बल्ले से भी एक चौका आयल और 152 रन 7 विकेट के नुकसान पे हो गई। 20वां ओवर के आखिरी गेंद पे हरप्रीत बरार के बल्ले से एक और चौका आयल और स्कोर हो गए 158 रन 7 विकेट। 20वां ओवर में शाहरुख खान के बल्ले से कुछ महत्वपूर्ण रन आयल और छक्का लगल उस ओवर में। और अगली गेंद पे वो एक और चौका लगा देला स्कोर 168 रन पहुंचा देला 7 विकेट के नुकसान पर। और तीसरा गेंद पे एक और चौका लगा देला शाहरुख खान और स्कोर 172 रन पहुंच गए 7 विकेट के नुकसान। और प्रीत बरार के बल्ला से एक और छक्का आया 5वां गेंद पे। इस तरीके से 20 ओवर में 179 रन बनेला पंजाब टीम 7 विकेट के नुकसान पे। पंजाब के स्कोर कार्ड की बात करी तो पंजाब के तरफ से शिखर धवन कप्तान एक बार फिर से अच्छा खेल खेल 57 रन बनेल सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा। और भानुका राजपक्षे कुछ न करल लियाम लिविंगस्टन 15 करल जितेश शर्मा 21 ऋषि धवन 19 शाहरुख खान 21 और हरप्रीत बरार 17। ये दोनों जो लास्ट के ओवर में खेललस वो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिंग रहल शाहरुख खान और हरप्रीत बरार के। 8 और 9 गेंद खेल के 21 और 17 रन बनेल 262 और 188 रन के स्ट्राइक रेट से। सिमरन सिंह 12 रन पड़ल। वहीं पार्टनरशिप और बॉलिंग की बात करी तो वैभव अरोड़ा के कोई विकेट न मिलल। हर्षित राणा के 2-33 रन देके। आंद्रे रसल के कोई विकेट नहीं। वरुण चक्रवर्ती के 26 रन देके 3 विकेट। और सबसे इकोनॉमिकल सबसे कामयाब गेंदबाज रहा वरुण चक्रवर्ती 6.5 के इकोनॉमी के साथ। सुहेश शर्मा 26 रन देके 1 विकेट। इनकर भी इकोनॉमी बहुत अच्छा रहा। सुनील नारायण 29 रन देलस इकोनॉमी तो अच्छा लेकिन विकेट लेस रहा। रणवीर राणा एक ओवर में 7 रन देके 1 विकेट लेलस। और वहीं पार्टनरशिप की बात करी तो पार्टनरशिप में सबसे बड़ा पार्टनरशिप जो रहा वो रहा सबसे बड़ा पार्टनरशिप 52 रन के जो जितेश शर्मा और शिखर धवन के बीच में हुई। तो तो आगे अब कैसे खेल खेलिए केकेआर वो आगे देखे के बाद। केकेआर अपन पारी की शुरुआत कर लस और उनका सामने लक्ष्य जो 180 रन के टारगेट बा और वो पारी की शुरुआत करे खातिर जो है रॉय और गुरबाज आए लस और जेसन रॉय आते ही चौका मार लस। 2.1 ओवर में 14 रन बना दिलस। वही तीसरा ओवर में जेसन रॉय एक और चौका लगा लस स्कोर 18 रन कर दिलस। और इस बीच में रमनुल्ला गुरबाज भी कहाँ पीछे रह के बानी और वो भी छक्का लगा लस और 26 रन स्कोर कर दे। और वे ओवर में एक और चौका लगा लस रमनुल्ला गुरबाज और स्ट्रेट ड्राइव कर लस और कोई मौका न रहा कोई भी फील्डर के पास। और जेसन रॉय के बल्ले से एक और चौका लस स्कोर 3.6 ओवर में 36 रन हो गए। और रमनुल्ला गुरबाज और रॉय रुके के नामे न ले लस। और पहला सफलता मिल गई पंजाब के रमनुल्ला गुरबाज के विकेट के रूप में। और नीतीश राणा आवे के साथ ही चौका चौका लगा देलस और चौका लगावे के साथ स्कोर 43 रन पहुंचा देलस। और जेसन रॉय कहाँ रुके बा और वो लगातार चौका से ही डील कर था। और सैम करन के को चौका लगा देलस स्कोर पहुंचा देलस 48 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर के आखिरी गेंद पे एक और चौका आ गई 52 रन पे 1 विकेट 6 ओवर की समाप्ति पे। और जेसन रॉय के बल्ला से एक और चौका आएल और स्कोर हो गए 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जेसन रॉय वो चौका के साथ पहुंच गए और एक और चौका मार देलस सुबह लिविंगस्टन के ओवर में 7वां ओवर में स्कोर पहुंचा देलस 38 रन या टीम के स्कोर पहुंचा देते 63 रन 1 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति। और जेसन रॉय के विकेट मिल गए आखिरकार और हरमप्रीत बरार के विकेट मिल गए 64 रन में 2 विकेट हो गई और 38 रन बना के जेसन रॉय आउट हुई। और नीतीश राणा के आने के बाद नीतीश राणा चौका बाउंड्री से बात कर लस और स्कोर के 2.1 ओवर में 4 रन मार के 80 रन पहुंचा देलस।
नीतीश राणा टारगेट करल लिविंगस्टन के, लिविंगस्टन के ओवर में बैक टू बैक चौका लगलस, लिविंगस्टन के वे ओवर के तीसरा गेंद पे दो चौका के बाद एक छक्का लगलस और स्कोर के पहुंचा देलस 90 रन 2 विकेट के। नीतीश राणा आज रुके के मूड में न बा और लगातार 13वां ओवर में फिर चौका मारलस, स्कोर 102 रन पहुंचा देलस 2 विकेट के। नीतीश राणा के बल्ला से एक और चौका निकलस और स्कोर 114 रन हो गए 2 विकेट के नुकसान पे 13.2 ओवर में। वेंकटेश अय्यर के रूप में तीसरा विकेट गिरलस, वो भी 13.4 ओवर में 115 रन पे तीसरा विकेट और वो भी लगभग कमांड में बा केकेआर के गेम। और वेंकटेश अय्यर के आउट होने के बाद अंडर रसल आते ही 4 रन मारलस, स्कोर 122 रन कर देलस 3 विकेट के नुकसान पे। नीतीश राणा आज कप्तानी बड़ी पारी खेललस और 51 रन बनैलस और अर्धशतक अपन कम्प्लीट करलस, स्कोर 124 पर पहुँचलस 3 विकेट के नुकसान पे। इनकर स्कोर पहुँचल 51 रन 37 गेंद। नीतीश राणा गेंद के रिवर्स शॉट के रिवर्स स्विप करे के चक्कर में बाउंड्री लाइन पे आउट हो गई, आज जबरदस्त कैच लपकल गई और नीतीश राणा 4th विकेट के रूप में आउट हुई। आंद्रे रसल 17वां ओवर में एक चौका लगैलस और स्कोर 133 रन पहुँचा देलस। और रिंकू सिंह आवे के साथ ही जैसा कि इनकॉर्ड फॉर्म चलता है इस सीरीज में, आवे के साथ ही छक्का लगैलस, स्कोर 140 रन पर पहुँचा देलस 4 विकेट के नुकसान पे। आंद्रे रसल आज मौसल के पूरा पावर दिखावा था और चौका छक्का में डील करा था और आसानी के साथ एक और चौका बटोरलस, स्कोर पहुंचा देलस 148 रन 4 विकेट के नुकसान। और रिंकू सिंह के बल्ला से एक और चौका निकललस और स्कोर हो गए 153 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आंद्रे रसल के बल्ला से एक और छक्का निकललस, स्कोर हो गए 161 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आंद्रे रसल आज रूटे के मूड में न बा और लगातार बैक टू बैक छक्का लगवालस और स्कोर पहुंचा देलस 18.3 ओवर में 67 रन 4 विकेट के नुकसान। और आंद्रे रसल हुए 19वां ओवर में एक और छक्का लगा देलस और स्कोर पहुंचा देलस 173 रन 4 विकेट के नुकसान पे। वो भी लगा था कि मैच एक तरफा हो गई और 20वां ओवर के 5वां गेंद पे आंद्रे रसल रन आउट हो गई। अब वहाँ पे लगा था कि एक गेंद पे 2 रन की जरूरत बा और अर्षदीप सिंह आखिरी ओवर बहुत ही जबरदस्त करलस और केकेआर के जो जीत आसान दिखा था वो लास्ट गेंद तक चल गई और वो जीत मिलल रिंकू सिंह के बल्ला से। और रिंकू सिंह के बल्ला से निकलल इस चौका के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर मैच 5 विकेट से जीत गई। रिंकू सिंह धीरे धीरे अपन नाम कमाव था और लगातार फिनिशर के रोल अदा करो था केकेआर के लिए और इस सीजन में लगभग 3-4 मैच जीता के दे देलस केकेआर के। और एक और मैच बहुत ही क्रूशियल मैच जीतेलस और 21 रन बना के 10 गेंद पे नॉट आउट रहल और एक ही तरीके से केकेआर 5 विकेट से मैच जीत गेलस। स्कोर कार्ड के बात करी तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे जेसन राय शामिल हुए, जेसन राय 38 रन करलस, इंपैक्ट प्लेयर के अपन रोल अदा कर देलस। रमनुल्ला गुरबाज 15 रन बनेलस, नीतीश राणा कप्तानी बड़ी पाली पारी खेललस 51 रन बनेलस 38 गेंद पे, 6 चौका 1 छक्का लगेलस। वेंकटेश अय्यर 11 रन बनेलस कुछ खास और आंद्रे रसल रिंकू सिंह की पारी जबरदस्त पारी जो कि मैच विनिंग पारी रहल आंद्रे रसल के बल्ला से 42 रन आए 23 गेंद पे 3 चौका 3 छक्का 182 के स्ट्राइक रेट से। वही रिंकू सिंह नॉट आउट रहल 21 रन बना के 10 गेंद पे 2 चौका 1 छक्का 210 के स्ट्राइक रेट से। और बॉलिंग की बात करी तो बॉलिंग में ऋषि धवन 2 रन 2 ओवर में 15 रन देलस कोई विकेट न, और अर्षदीप सिंह 4 ओवर में 40 रन कोई विकेट न। अर्षदीप सिंह के आखिरी ओवर बहुत ही जबरदस्त रहा, कम स्कोर पे बहुत अच्छा से डिफेंड कर लस लेकिन उतना कम स्कोर पे कोई भी टीम कोई भी बॉलर हौसला हार जाए। नाथन एलिस 4 ओवर में 29 रन 1 विकेट, सैम करन 3 ओवर में 44 रन कोई विकेट नहीं, लियाम लिविंगस्टन 2 ओवर में 27 रन, हरप्रीत बराड़ 1 ओवर में 4 रन और राहुल चहर 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट। तो सबसे कामयाब गेंदबाज राहुल चहर 5.75 के इकोनॉमी रॉयल और 2 विकेट ले लस 23 रन देके। अब पार्टनरशिप की बात करी तो पार्टनरशिप में सबसे बड़ा पार्टनरशिप जो दिखा था वो पार्टनरशिप रहल आंद्रे रसल और रिंकू सिंह के बीच में, वो पार्टनरशिप होल इनकर 54 रन के। तो ये रहल आज के। और बात करी टेबल के तो टेबल कुछ इस तरीके से दिखा था। टेबल के बात करी तो टेबल में अभी गुजरात टाइटल तो लगभग क्वालिफाई कर गई 16 पॉइंट, सीएसके भी लगभग क्वालिफाई के द्वार पे खड़ा बा, लखनऊ सुपर जॉइंट्स भी के थोड़ा समस्या बा, राजस्थान रॉयल्स के समस्या बा क्योंकि राजस्थान रॉयल्स आखिरी के 3 मैच हार गई और लखनऊ सुपर जॉइंट्स भी आखिरी के लगभग 3 मैच हारल स। केकेआर ऊपर उठल स, केकेआर 2 मैच लगातार जीतल स, अब तो 10 पॉइंट के साथ ही पहुंच गए पंचवा पे। आरसीबी अब डाउन हो गई नीचे चल गए 5-6 पे और पंजाब किंग्स अभी भी 7वां पर बनल बा, अभी भी इनका पास मैच 3 मैच बा और 3 मैच इनका जीते के बा, अगर जीती तो ये तभी क्वालिफाई करी। एमआई अब नीचे डाउन हो गई 10 मैच 10 10 रैंक, अभी भी इनका पास 4 मैच बचल बा, 4 मैच में से अगर 3 मैच जीत जाए तो ये भी क्वालिफाई के दौर में। एसआरएचडीसी मतलब अभी पूरा ग्रुप खुलल बा और जीटी अनऑफिशियली जीटी क्वालिफाई कर गई लेकिन ऑफिशियली अभी तक न कर। मैच समरी के बात करी तो मैच समरी में आज पंजाब टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करे के फैसला करल, पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनल 7 विकेट के नुकसान 20 ओवर में। शिखर धवन करल 57 रन 47 गेंद पे, शाहरुख खान करल 21 रन 8 गेंद पे, जितेंद्र शर्मा करल 21 रन 18 गेंद पे, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 26 रन देकर 3 विकेट ले लस, हर्षित खुराना 23 रन देकर 2 विकेट और नीतीश राणा 1 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट। नीतीश राणा बनल 51 रन 38 गेंद पे, आंद्रे रसल बनल 42 रन 23 गेंद पे, जेसन राय बनल 38 रन 24 गेंद पे, राहुल चहर 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट, हरप्रीत बराड़ 4 रन देकर 1 विकेट, नाथन एलिस 29 रन देकर 1 विकेट। और मैन ऑफ द मैच जो बनी आंद्रे रसल ही बनी और न तो नीतीश राणा, ही दोनों में से कोई एक बनी। तो ये आज के मैच के हाईलाइट, और अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय हिंद।